लाइमलाइट में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब मेरे साथ अपनी नई फिल्म सत्ता के बारे में बात करने के लिए मौजूद है मधुर भंडारकर। मधुर, लाइमलाइट में आपका स्वागत है। सत्ता एक और फिल्म जिसके साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं, इस वक्त आपके बारे में आप क्या सोच रहे हैं फिल्म पूरी करने के बाद? नहीं, मैं एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं कोई सोचता पिक्चर के बारे में। जैसे कि चांदनी बार भी हमने जब बनाई थी तो एक छोटे बजट की फिल्म थी, तो ऐसा नहीं सोचा था कि ये पिक्चर इतनी अक्लेम होगी, सक्सेस होगी और एक नेशनल लेवल के लेवल पे जाएगी पिक्चर। तो फिल्म जब बनाते हैं हम ये नहीं सोचते कि क्या लेवल पे पिक्चर जाएगी या कमर्शियली कितनी इसकी वायबिलिटी होगी या क्या, बिकॉज क्या एक छोटी बजट की फिल्म है, ये 2-2.5 करोड़ की बजट की फिल्म है। तो वी मेड दिस मूवी इन दैट पैरामीटर्स। चांदनी बार बहुत हद तक श्रेय जाता है उसका तबू पर, तबू का सपोर्ट, तबू का उस फिल्म में मौजूद होना। इस फिल्म के साथ बहुत नेशनल अवार्ड नेम्स जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मधुर भंडारकर की फिल्म है, ज़्यादा प्रेशर आप पे लगा आपको फिल्म के दौरान बनाने में? हाँ, प्रेशर मेरे पे है, काफ़ी है कि लोगों को लग रहा है कि अपना चांदनी बार किस तरह का सब्जेक्ट है। देखो, मैं अपने आपको रिपीट नहीं करना चाहता था चांदनी बार के बाद, क्योंकि हालांकि लोगों ने हमको चांदनी बार पार्ट टू बनाने का भी ऑफर दिया था कि आप पार्ट टू बना लो उसका, मुझे और तब्बू जी को। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, कि मैं वही टाइप का सब्जेक्ट कुछ एक्सटेंड करूँ उसका। तो ये जो सब्जेक्ट है एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, हालांकि बहुत रिस्की सब्जेक्ट है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि यार पॉलिटिक की सब्जेक्ट क्यों बनाते हो तुम, कि यू मेक अ नाउ कमर्शियल हार्ड हिटिंग लंबी बड़ी फिल्म बनाओ। तो मैंने सोचा कि जब व्हेन यू हैव अ स्मॉल बजट फिल्म यू कैन एक्सपेरिमेंट, जब छोटे बजट में फिल्म बनती है तो यू कैन एक्सपेरिमेंट इन इट, बिकॉज उसकी जो लूजिंग या उसके रेवेन्यूज के प्रपोजिशन होते हैं बहुत कम होते हैं। देन आई एम हैप्पी विद मेटलाइट पीपल हु सपोर्टेड दिस काइंड ऑफ मूवी। बहुत कम लोग प्रोड्यूसर हैं जो इस तरह की फिल्म को श्रेय देते हैं कि ठीक है बनाओ बोल के। तो पैरामीटर्स में फिल्म बनी है तो एक्सपेक्टेशन तो होता है, लेकिन आई डोंट वांट पीपल टू कंपेयर दिस टू चांदनी बार, बिकॉज चांदनी बार वाज अ बार सब्जेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट सब्जेक्ट, एंड माय कमिंग फिल्म आन विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट सब्जेक्ट, वो पुलिस के ऊपर है। तो ये तीनों अलग थ्री ट्रायोलॉजी है मेरी, अलग अलग तीनों फिल्म की ट्रायोलॉजी है। चाहे तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड, अंडरबेली ऑफ सोसाइटी तीनों को जोड़ रहा है। आम आदमी से जो इश्यूज जो उसको कन्फ्रंट करती हैं, तीनों उसी के बारे में है। तो क्या ये मधुर भंडारकर का जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग बन जाएगा या किस तरह से आप फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं? मेरा जॉनर ऑफ सिनेमा आई थिंक वेरी यंग टू एंड वेरी न्यू टू दिस काइंड ऑफ, कि मेरा जॉनर ऑफ सिनेमा बन जाएगा, मैंने इट विल टेक टाइम एटलीस्ट 10 ईयर्स टू मूव के मधुर भंडारकर काइंड ऑफ सिनेमा होने के लिए। तो ये है कि मुझे अच्छा लगता है सोसाइटी के ऐसे पात्र को पकड़ना, कि बार सब्जेक्ट था जिसे एक्सप्लोर नहीं किया था इस तरह से सेलुलॉइड पे, तो अच्छा लगा। पॉलिटिक्स पे हाँ काफ़ी पिक्चरें पहले बन चुकी है, लेकिन मुझे लगा कि एक लड़की जो है विक्टिम, जो पॉलिटिक्स में इन लॉस के थ्रू और पार्टी वर्क के थ्रू ड्यूरेस में उसको फोर्स किया जाता है, जो एक सप्रेसिंग वूमन नहीं है, जो कि रिबेलियस लड़की है, तो मुझे लगा कि जो इसमें जो पंच है और जो हाउ शी कन्फ्रंट्स द थिंग एंड हाउ शी प्लान्स टू प्ले द सेम गेम विद देम, मुझे अच्छा लगा। एक सफोकेशन लगा कि लड़की में अच्छा हो सकता है, कि हाउ शी फाइट द सिस्टम, एंड बाय गिवन अ चांस एवरी कॉमन मैन कैन फाइट पॉलिटिक्स अगर गिवन अ चांस। तो ये मैसेज है उसके अंदर पिक्चर में, ये मैसेज है सोसाइटी को ऑब्जर्व करना, उसमें से सीख लेना। कभी आपको लगता है कि टेम्पटेशन पैसे की या एक कमर्शियल बड़े पैमाने पे, क्योंकि जैसे आपने कहा ऑफर्स आते हैं, कभी आप उस टेम्पटेशन से घबराते हैं कि एज अ फिल्म मेकर कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करें? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया, जैसे इसमें भी ऐसा कोई नहीं है। देखो, मेरे को आज तक ये पता नहीं चला कि कमर्शियल फिल्म या नॉर्मल फिल्म, जैसे कि तो फिल्म या तो अच्छी होती है तो बुरी लगती है, ऐसा नहीं होता कि ये कमर्शियल फिल्म है। कमर्शियल फिल्म का बेसिकली नॉर्म्स होता है कि 5 गाने, 2 गाने स्विट्जरलैंड में, 4 कॉमेडी सीन्स, तो इट्स बेसिकली एक लोगों के दिमाग में एक अच्छा चाहिए कमर्शियल फिल्म है, ऐसा लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऑफर्स बहुत आते हैं, मुझे आज भी काफ़ी ऑफर्स आते हैं, एवरी डे आते हैं मेरे को। हालांकि चांदनी बार के पास 16-17 ऑफर आए थे, तो मैंने इतना पिक्चर एक साथ किया नहीं, बिकॉज आई कैन नॉट गिव टाइम। आई थिंक फिल्म नीड लॉट्स ऑफ टाइम, डेडिकेशन, और जो डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हर फील्ड में होना चाहिए, मैंने हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, बैकग्राउंड स्कोर हो, चाहे वो रॉक सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो डबिंग हो, तो एवरी फील्ड में उसका होना चाहिए पार्टिसिपेशन। तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाया था, मीन्स ये सब डिपार्टमेंट में, अगर दूसरी पिक्चर अगर मैं कर सकता था तो कॉन्सेंट्रेशन एक पिक्चर पर करता हूँ। जैसे आन है, इसके बाद वो थोड़ी सी मेन स्ट्रीम सिनेमा है, वो थोड़ा सा उसका सेगमेंट बड़ा है, बिकॉज यू हैव शत्रुघ्न सिन्हा जी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी, ओम पुरी, परेश रावल, वो थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ एंड इट्स मोर मेन स्ट्रीम सिनेमा काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज द एक्टर्स की इमेज ऐसी है। इसके अंदर रवीना के अलावा सब न्यू है, सत्ता के अंदर एब्सोल्युटली न्यू, अतुल कुलकर्णी है जैसे मेरे साथ चांदनी बार किया था, तो वही है। बाकी एब्सोल्युटली नया लड़का समीर को लिया है, बाकी वल्लभ व्यास, गोविंद नामदेव एंड बाकी सब थिएटर एक्टर लिए मैंने, NSD और पृथ्वी थिएटर से। आन का आपने जिक्र किया, आपने उसकी कहानी भी लिखी है?
हाँ आइडिया ओरिजिनेट मेरे से हुआ है, जो आइडिया का वन लाइन है वो मेरे से अंदर से आता है. एक्चुअली जो आइडिया आना चाहिए मेरे से आता है, देन ओनली आई कैन इमेजिन द फिल्म लाइक दैट. तो वो जर्म मेरे से आया, बाकी राइटर्स के साथ बैठ के हम लोगों ने इसको एब्सोल्युटली एलाबोरेट किया है. क्या आप मानते हैं कि एक रीज़न कि ये फिल्म इतनी रियल होती हैं और इंसान को छू जाती हैं, क्योंकि आप इनके राइटर भी हैं, क्योंकि आप लिखते हैं, इसलिए आपके विजन को आप पर्दे पर एक रियलिटी के साथ पेश भी कर पाते हैं? हाँ ये ज़रूरी होता है कि जब राइटर होता है तो एक अंदर से आता है विजन आता है बेसिकली डायरेक्टर को कि इस तरह का सीन ऐसा होना चाहिए, कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए. क्योंकि जैसे रवीना जी का रोल था ये पिक्चर में सत्ता में, तो फर्स्ट टाइम शी इज प्लेइंग सच अ कॉम्प्लेक्स वूमेन, लाइक यू नो आगे कैरेक्टर जाके ग्रे शेड भी हो जाता है. तो फर्स्ट टाइम इतना, बिकॉज हमेशा लोगों ने उसको मस्त मस्त गर्ल या शहर की लड़की वो हमेशा देखा है. हालांकि शूल और दमन में शी इज परफॉर्म वेरी वेल, लेकिन फॉर फर्स्ट टाइम हर इतने वर्बोज एंड लॉट्स ऑफ डायलॉग्स एंड कन्फ्रंट जैसे सीन थे, तो एब्सोल्युटली शी फॉलोड माई विजन. तो रवीना हुई तबू से, आपकी पिछली चांदनी बार से, बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी है उनकी, डिफरेंट किस्म की एक्ट्रेस हैं, तो इस दोनों के साथ काम करने में एज अ डायरेक्टर आपको क्या डिफरेंसेस लगे, क्या चैलेंजेस लगे? नहीं दोनों के साथ अच्छा लगा काम करने में, ऐसा कुछ नहीं कि रवीना के साथ नहीं अच्छा लगा, तब्बू जी के साथ अच्छा नहीं लगा, एब्सोल्युटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज. नहीं डिफरेंट पर्सनैलिटी ये है कि ये जैसे ये सब्जेक्ट में बताया कि ये जो सब्जेक्ट सत्ता का, इसमें रवीना टंडन इसलिए चाहिए थी कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत रिबेलियस काइंड आउटस्पोकन एग्रेसिव काइंड ऑफ, तो जो रवीना का एटीट्यूड मुझे लगा कि वो है मुफट बोलने वाली, यू नो लाइक तब्बू इज मोर सेंसिटिव एंड एक फ्रेजाइल फेस है उनका. रवीना का जो एक ऐसा एटीट्यूड है, वैसे रियल लाइफ में है नहीं वो, लेकिन एक फेस में उसकी जो बात है, मुझे जो कैरेक्टर था अनुराधा सहगल, आई फाउंड इट कि दिस गर्ल एब्सोल्युटली फिट्स द थिंग. यू कैन कैनॉट टेक थिंग्स डाउन, शी कैन गिव बैक, चाहे वो इन लॉज हो, पार्टी वर्कर हो या कोई भी कॉमन एम भी है. तो अच्छा लगा कि रवीना वुड यू नो एब्सोल्युटली बी अ फायर ब्रांड काइंड ऑफ कैरेक्टर इन दिस मूवी. माधुर, वी लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग मोर रियलिस्टिक सिनेमा फ्रॉम यू. आज लाइन राइट से बात करने का शुक्रिया. थैंक यू.